मुश्किल है, प्रेशर नज़र आया क्योंकि जो जितनी बेहतर कंडीशन इंडिया अपने होम ग्राउंड की समझता है शायद इतनी बेहतर कोई भी टीम नहीं समझती। और इंडिया जब कभी भी अपने होम ग्राउंड में लड़खड़ाता है तो इजीली कमबैक भी कर जाता है, तो मेन एडवांटेज जो है इस टाइम इंडिया को ही हासिल है। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा, रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच, बुमराह की वापसी, जल्द सवाल के 1000 रन्स। तो आइए पाकिस्तानी वाम से जानते हैं कि इंडिया ने जितने भी डेब्यूटेंट अपने इस मैच में इंट्रोड्यूस करवाए हैं सबने कमाल की परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का, आपने सर इंडिया वर्सेज इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच, जयसवाल के 29 रन रह गए अपना 1000 रन पूरा करने में, वो भी कर लेंगे सेकेंडली, देखा जाए तो बुमराह की भी वापसी हो चुकी है, तो क्या कहना चाहते हैं और कितना बेस्ट बॉल को एक्सपोज करेगा इंडिया? देखें, इंडिया को काफ़ी एडवांटेज हासिल है, हमेशा इंडिया को अपने होम ग्राउंड पर एडवांटेज ही रहता है, और इंडिया ने काफ़ी बेहतर खेल पेश कर रहा है, और बुमराह उनकी जो है बैकबोन है, बुमराह आएगा तो उनका बॉलिंग अटैक भी मजबूत होगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया के अच्छा खेल पेश करने के। बिल्कुल, पिछले दफ़ा अगर देखा जाए तो जॉय रूट ने कम से कम सेंचुरी करके गए हैं, बुमराह नहीं थी, और कह लें कि काफ़ी एक एज मिला हुआ था इंग्लैंड को, इस बार तो उनके पास कोई एज नहीं है, क्या ख्याल है कि इंडिया हम थोड़ा प्रेशराइज नज़र आएगा या प्रेशर अच्छा खासा हैंडल करने का? देखें, इंडिया अपनी होम ग्राउंड में बहुत मुश्किल है, प्रेशर नज़र आए क्योंकि जो जितनी बेहतर कंडीशन इंडिया अपने होम ग्राउंड की समझता है शायद इतनी बेहतर कोई भी टीम नहीं समझती, और इंडिया जब कभी भी अपने होम ग्राउंड में लड़खड़ाता है तो इजीली कमबैक भी कर जाता है, तो मेन एडवांटेज जो है इस टाइम इंडिया को ही हासिल है। इंडिया कोई मेन एडवांटेज हासिल है, विराट कोहली नज़र नहीं आए। देखें, विराट का शायद रिटायरमेंट का जो टाइम है वो करीब है, वो अपनी टीम को सेट कर रहे हैं, जब उनको लगेगा कि विराट की ज़रूरत है तो टीम में वापस आएगा, क्योंकि अगर अभी तक वो विराट भी रिलाई करते रहे अचानक से जब वो छोड़ के जाएंगे तो टीम के लिए मुश्किल होंगी, जैसे आपको हमारी टीम में देखने मिलता है पाकिस्तान की टीम में कि एक प्लेयर अपने लास्ट टाइम तक खेलता रहता है, उसका बैकअप तैयार नहीं किया जाता, अकलमंद यही होती है प्लेयर के रहते हुए ही उसका बैकअप जो है तैयार किया जाए, और जब कोई बहुत क्रूशल मैचेस आते हैं इसमें बहुत ज़रूरत होती है जीत की तो उस प्लेयर को वापस लाया जाता है ताकि मैच जीत लिया जाए, और जब नॉर्मल जब सीरीज पांच पांच मैचों की चल रही है तो बेहतर है उसमें न्यू ब्लड न्यू टैलेंट को मौका दिया जाता है ताकि आप अपना जो है बैकअप जो है वो तैयार कर सकें और फ्यूचर में मजीद उस जैसे विराट कोहली जैसे प्लेयर जो तैयार कर सकें। बिल्कुल, आपकी बात ये, साथ में ध्रुव की और सरफराज खान की बात करेंगे कि इस बार लकली सेंचुरीज उनको करके जाना चाहिए और एक रिकॉर्ड बनाकर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, प्लेयर्स को बहुत अच्छी बात होगी, और वो करते हैं सरफराज खान की बात करें तो उनको बहुत मुश्किल से जो है चांस मिला है, जिस तरह से और जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया था चांस मिलने के बाद, वो अच्छी परफॉर्मेंस भी ने अच्छी दिखाई है, तो मैं तो उनको जरूर जो है सेंचुरी करनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच, जयसवाल के 29 रन रह गए हैं 1000 कंप्लीट करने में, और कह लें कि वो भी पहले भारतीय बन जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, सेकेंडली देखो जब बुमराह की वापसी हो चुकी है, तो क्या ख्याल है कि पांचवा टेस्ट मैच में कौन कौन सा कमाल होने वाला है? देखें, जिस तरह पहले मैचेस में हमें शानदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है इंडियन टीम की, तो हम फिर भी एक्सपेक्ट वही करते हैं कि मतलब जिस तरह पहले मैचेस में इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दी है, 3-1 से सीरीज अभी तक विन की हुई है, तो आखिरी मैच में भी हम यही चाहते हैं कि 4-1 से सीरीज़ वो विन करें और एक बुरी तरह से इंग्लैंड को शिकस्त दें, ताकि उनको जो है सदियों याद रहे कि भाई किसी टीम से हमारा पाला पड़ा था, किसी से हमने पंगा लिया था, ताकि फिर से जो है वो ऐसी गुस्ताखी ना करें इंडिया के सामने आने की, इंडिया के सामने खेलने की, या इंडिया के सामने बेस बॉल की रट लगाने की। तो यही समझते हैं कि जिस तरह बुमराह की वापसी हुई है, बुमराह से शानदार बॉलिंग का जो है मुजाहरा नज़र आएगा, और जयसवाल की जिस तरह बात की वो विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं एक सीरीज़ के अंदर 692 रन का, उसके साथ आपने बात की कि उसके 1000 रन कम्प्लीट होने वाले हैं, तो मतलब देखिए इतना यंग टैलेंट होगा कितनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, और किंग के मतलब दुनिया के गॉड ऑफ क्रिकेट के वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं वो कितना बड़ा बैट्समैन है। बिल्कुल, आपकी बात सही है, कितना बड़ा बैट्समैन नजर आ रहा है, डेफिनेटली सी बात है आगे चल के एक उभरता हुआ सितारा होगा जो कि बड़े बड़े बैट्समैन के रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। इंडिया ने अपनी इस टेस्ट मैच में कह लिया कि बहुत सारे डेब्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी आकाशदीप को देखकर जो भी डेब्यूटेंट आया इस मैच में उसने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी, तो इस सबका क्रेडिट जो है, सबका सेहरा जो है वो रोहित शर्मा को जाता है कि उसने जो है अपने जो है टैलेंट को पहचान निकाला, उसको पता था, उसने बाकी को शटअप कॉल भी दिया जिन्होंने जो है जो कि जिन्होंने भूख, उसने कहा कि हमें पता चल जाता है कि जिसमें टेस्ट खेलने की भूख नहीं होती हम भी उनको जो है टीम से बाहर कर देते हैं, उनको पता है कि हम जिस डेब्यूटेंट को लाएंगे जिसका जो है हमें टैलेंट नज़र आएगा हम वो शानदार परफॉर्मेंस देगा, और उसने जो है उनसे जो है वो शानदार परफॉर्मेंस निकलवाई। आप सरफराज खान को देखकर जिसका डेब्यू था उसने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिया, आकाशदीप ने शानदार परफॉर्मेंस दी, फिर एक दो और था, तो हर एक मतलब इंडिया में इस वक्त इतने बड़े बैट्समैन इतने बड़े बॉलर बन चुके हैं कि अब इंडिया की मैनेजमेंट को मुश्किल हो रही है कि हम टीम के लिए किस किस को सिलेक्ट करें और किस को जो है वापस कर दें। बिल्कुल आपकी बात सही है, तो आगे चल के T20 वर्ल्ड कप में ये सारे के सारे आ जाएं। यही तो बात है ना, अभी मैनेजमेंट मुश्किल में पड़ी हुई है कि भैया हम T20
करेंगे वर्ल्ड कप के, किस किस को सिलेक्ट करें? मतलब इतने बड़े उनके बॉलर्स आ चुके हैं, इतने बैट्समैन आ चुके हैं, अभी जो टीम में नहीं खेले उनको अपनी जगह जो जाती नजर आता है, जिस तरह हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हालांकि बहुत बड़े बड़े बैट्समैन हैं, बहुत बड़े बड़े ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनको अपनी जो है अपनी जगह के लाले पड़े हुए हैं कि कहीं हम टीम से ही बाहर ना हो जाएं, जिस तरह हम जो है रोहित शर्मा के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं, ग्रुप बंदी कर रहे हैं, तो उनको जो है ये बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी रोहित शर्मा और मैनेजमेंट की मतलब मुशावरत से तय होना है, तो जाहिर बात है उनकी जगह जो है खत्म की जा सकती है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवां टेस्ट मैच है, बुमराह की वापसी है, एंड स्पेशली देखा जाए तो जयसवाल रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ख्याल है आपको कि आखिरी मैच में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? देखें, आखिरी मैच का तो हमें वेट है क्योंकि इंग्लैंड के जो है वो जनाजे अब निकलने आए हैं, समझो कि अब इंडिया ने उनको दफन तो पहले ही मतलब इतना हराया बुरे तरीके से कि अब उनके पास कोई बचा नहीं है, कोई चारा बचा नहीं है। और दूसरी साइड पे अगर इंडियन बैट्समैन की बात की जाए, बॉलर्स की बात की जाए, तो वो तो टोटली फॉर्म है, और जिस तरह हमें सीरीज़ में देखने को मिला है, मतलब काफ़ी सरप्राइज देखने को मिले हैं, जिस तरह जयसवाल, आकाशदीप, जयसवाल, ध्रुव जुरेल, इस तरह के बैट्समैन जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और इसके साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी का बहुत बड़ा रोल रहा है, अपना माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग रखा है, और पहला मैच जो है वो हारने के बाद जो है इंडिया ने जिस तरह कम बैक किया है, वो जो समझ लो कि पहला मैच जो था वो मेहमान नवाजी था, और अब जो एंड वाला मैच है इस पर तो उन्होंने खास तौर पे उनकी मेहमान नवाजी करनी है, अच्छे खासे मार्जिन से हराना है और उसके बाद इनको रवाना करना है। बिल्कुल, आपके पास ये है कि अच्छे खासे मार्जिन से हराएंगे फिर रवाना करेंगे, क्या लगता है कितने दिनों में इंडिया वाइंड अप कर देगा मैच? देखिए, मेरे हिसाब से तो 3 दिन मैक्सिमम जाएगा मैच, क्योंकि जिस तरह इंडिया की फॉर्म लगी हुई, अगर इंडिया बैटिंग पहले करते हैं तो फिर तो इन्होंने अच्छा खासा स्कोर जो है वो सेट कर देना है, जिसके बाद उनके बैट्समैन जो है हमें बहुत पजल नज़र आएंगे, क्योंकि इस साइड पे अब बुमराह भी आ चुके हैं और दूसरी साइड पर देखा जाए तो नए बॉलर जितने भी हैं और अश्विन भी हैं, तो मतलब इंडिया की बॉलिंग लाइन टोटली डेंजरस बनी, और बैटिंग वाली साइड पर अगर देखा जाए तो इंडिया के पास इस वक्त कह सकते हैं कि बड़े अच्छे बैट्समैन बैठे हुए हैं, सरफराज खान हैं, उसके साथ साथ रोहित शर्मा खुद हैं, गिल हैं, उसके बाद जयसवाल हैं, तो ये तो मतलब कह लो कि एक दुनिया की डेंजरस तरीन टीम बनी हुई है, और इंडिया की टीम जो है वो आपको पता है हर फॉर्मेट में दुनिया की नंबर वन टीम बन चुकी है, अगर टेस्ट चैंपियनशिप में देखा जाए, टेस्ट में देखा जाए, उसके बाद T20 में देखा जाए, ODI में देखा जाए, तो इस वक्त दुनिया की नंबर वन टीम बनी हुई है, तो उसने तो आराम से इंग्लैंड को जो है पिसल देना है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड लास्ट टेस्ट मैच डेफिनेटली पंचवे की बात करेंगे, जहां पर कह लें कि जयसवाल का भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, 29 रन रह गए हैं जी कहले अपने 1000 रन पूरे करने में, और पहले भारतीय बन जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। सेकेंडली देखा जाए बुमराह की वापसी हो रही है, तो और क्या क्या मिलेगा आगे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होने वाले? देखें, अभी भी बात करने की जरूरत है, आई थिंक सो कि अब बात करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से इंडिया ने फोर्थ टेस्ट मैच में प्रूव किया है ना, डे टू के बाद इंडिया मैच हार रहा था, लेकिन भाई जिस तरह से उन्होंने ओवरनाइट कमबैक किया है और जिस तरह से मैच भी विन किया, बड़ा थंपिंग विक्ट्री थी वो। देखें, जिस तरह से बुमराह वापस आ गया है, तो अब जॉय रूट ने जो 122 रन किए थे, अब जॉय रूट के वो भी माइनस हो जाएंगे, तो इंग्लैंड के पास बचेगा क्या? देखिए, अब इंडिया मजीद स्ट्रॉन्ग होकर आएगा, वजह यह है कि रोहित शर्मा अपने ये जो यंग लड़के हैं इनको कहेगा जी आपके पास फ्री हैंड है, अब ओपनली जाके खेलो आपने जैसे खेलना है। तो भाई पहले तो इसने आई थिंक 214 रन पे जयसवाल को रिटायर्ड हर्ट करवा लिया, यानी कि डिक्लेयर करवा दिया था, अब तो वो 300 की तरफ जाएगा। देखिए, अपने का 29 रन, तो वो तो डेफिनेटली वो कर जाएगा। देखिए, इनके यंग बच्चे जो हैं जिनमें सरफराज, धुरव और एक तीसरा जयसवाल, ये तीनों जो इनके पीछे बड़ी स्ट्रगल है, ये कोई भी कामयाबी अगर समेटते हैं तो वो हकदार है इस चीज़ के। देख लें, एक गोलगप्पे वाले का बेटा है, कारगिल का, जो कारगिल में उसके वालद ने जंग लड़ी है उसका बेटा है। सरफराज की बात करें, 8 साल की उसकी मेहनत है, उसके बाद वो इंटरनेशनल स्टेज पर आया, तो देखिए इतनी कामयाबी तो वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि इतनी कामयाबी तो वो डिज़र्व करते हैं, जब इतना बड़े बड़े टैलेंट उभर के आते हैं, तो इंग्लैंड जैसी एक तगड़ी टीम भी कन्फ्यूज आ कहाँ से रहे? देखिए, इंडिया का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उनका ग्राउंड लेवल बहुत स्ट्रांग है, आप उनकी रणजी ट्रॉफी देखें और उनका IPL देखें। रणजी ट्रॉफी में वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अभी उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी बोला है कि भाई जब इंडिया का मैच नहीं होगा आप नेशनल जाके अपने नेशनल जो है ना लीग्स वो खेलोगे, अगर नहीं खेलोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाओगे। जो शटअप कॉल इन्होंने दी थी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को, उससे पता चलता है कि वो अपनी क्रिकेट के साथ लॉयल हैं। जब आप क्रिकेट के साथ लॉयल हो तो कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी, आपकी स्ट्रगल होती है, इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, ओवर द ईयर जैसे उसने स्ट्रगल की, वही इंडिया जिस पर बातें हुई कि आपके पास भागते हुए स्पिनर्स हैं, अब वही इंडिया है जिसके टॉप 3 बॉलर्स देख लें वो रैंकिंग में नजर आते हैं आपको। आपके पास ये कि जितना स्पिनर्स ने कह लें कि कमा के दे दिया है इंडिया को, वो तो टेस्ट मैचेस में हमने देखा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें इंडिया के स्पिनर्स की बात करें, इंडिया के फास्ट बॉलर्स की बात कर लें, इंडिया इस वक्त नो डाउट के टॉप पे जा रहा है। अब देखें, अश्विन जडेजा और कुलदीप यादव का जो ट्रियो बना हुआ है ये मोस्ट डिफिकल्ट है, एक लेफ्ट आर्म है, एक चाइना मैन गुगली है, तो देखें ये इनका हाथ रीड करना बहुत टफ है, मुझे डर लग रहा है कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें ये क्या करने जा रहे हैं। यूएस
वैसे और वेस्ट इंडीज की बिल्कुल रफ विकेट्स हैं, बिल्कुल डेड विकेट्स हैं, वहाँ स्पिन ज्यादा चलेगा, हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, वहाँ पे मजा आएगा मजीद देखने का। थैंक यू पाकिस्तानी वाम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।